तो सोनाली फोगाट हत्या केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि दो आरोपी जो इस मामले के थे, एक पीए सुधीर सांगवान तो दूसरा सुखविंदर सिंह, इसको अंजुना पुलिस मापुसा कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहां पर 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी और कोर्ट की तरफ से 10 दिन की पुलिस रिमांड में इन दोनों आरोपियों को भेज दिया गया, जिसके बाद अब गोवा पुलिस अपनी जाँच को और तेज कर पाएगी। तस्वीरों में आपको पीए सुधीर सांगवान नजर आ रहा है, जिसे मापुसा कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश होने के कुछ ही देर बाद इन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, जिसमें एडविन नूनेस जो कि कर्लीज का ओनर है, वही रेस्टोरेंट जहां पर उनकी मौत हुई थी सोनाली फोगाट की, उनके ओनर को, उनके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। दत्ता प्रसाद गांवकर जो कि ड्रग पेडलर है, उसे भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन दो आरोपियों को, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को, जो अंजुना पुलिस है वो मापुसा कोर्ट पे पेश करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद इन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।